दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों एम प्रिवन एप्लीकेशंस में ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी एम प्रिवन एप्लीकेशंस में ओटीपी नहीं आ रहा है और आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। दोस्तों जैसे आप मैसेज एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप इन्फो का। सिंपली आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का। सिंपली आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर स्टोर का। सिंपली आपको क्लियर स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन का जो भी यहाँ पर डाटा रहेगा वो एकदम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा SMS का। सिंपली यहाँ पर SMS वाले ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर देना है। दोस्तों जैसे इस ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे मैसेज यहाँ पे आपके एम प्रिवन एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको OTP आना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार आप भी OTP नहीं आ रहे तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।